व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है साहिल। आप सभी का स्वागत है आज के इस ट्यूटोरियल में। बेसिकली हमने ट्यूटोरियल स्टार्ट किया है फोटोशॉप बिगिनर लेवल से। तो बेसिकली आपको इस चैनल पर बिगिनर से हाई लेवल तक वीडियोस मिलेगी फोटोशॉप के ऊपर। एंड देन हम बाद में अलग अलग प्रीमियर प्रो एंड आफ्टर इफेक्ट एंड सिनेमा 4D की ग्राफिक डिजाइनिंग से लेकर मोशन डिजाइनिंग एंड फिल्म मेकिंग तक हम आपको इस चैनल पर आपको ये सब कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो बेसिकली अगर आप इंटरेस्ट हो इन सब चीज़ में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोंट फॉरगेट द बेल आइकन। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें, लेट गेट स्टार्टेड। इस वक्त मैं अपने फोटोशॉप के ऊपर हूँ। यहाँ पर क्या है कि फोटोशॉप हमारा क्या है कि फोटोशॉप एक फ़ोटो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एडवर्टाइजिंग, बैनर वगैरह आपने काफ़ी सारे मार्केट्स में देखे होंगे, या आपने अपने फेसबुक जब आप स्क्रॉल करते हो तो वहाँ पर आपने काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग से जैसे प्रोडक्ट प्रमोशन की वीडियोस आपने देख सॉरी इमेजेस देखी होगी। तो वो सब ज़्यादातर फेसबुक सॉरी फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर का यूज़ करके किया जाता है। तो इलस्ट्रेटर हम आने वाले वीडियोस में बताएंगे, अभी हम जस्ट फोटोशॉप के साथ हम इंट्रोड्यूस हो जाए। तो यहाँ पर फोटोशॉप का बहुत बड़ा रोल होता है कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट या इंडस्ट्री के अंदर जब हम काम करते हैं तो वहाँ पर जब प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है, जो आप सुंदर सुंदर ग्राफिक्स इमेजेस देखते होंगे वो सब इसी की हेल्प से बनाई जाती है। तो इसके अंदर बेसिक तो अभी आने वाले टाइम में हम आपको उसके बारे में और बताते जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम उसको बताते कि बेसिकली ये वर्क करता है एज ए पिक्सल पे, ठीक है। तो फोटोशॉप एक पिक्सल पे वर्क करता है। तो पिक्सल क्या होता है, जब बहुत सारे छोटे 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 बॉक्सेस को मिलाकर एक इमेज बनना। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास कोई डेस्कटॉप पे लोगो पड़ा है, तो मैं इसको जरा बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं फोटोशॉप के अंदर लाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओपन होती है। अब मैं आपको इसको जूम करता हूँ, तो जूम करने के लिए मैं इसके कंट्रोल और प्लस को प्रेस करूँगा तो जूम होगा। अब मैं आपको दिखाऊँ इसको जूम करके, तो यहाँ पर छोटे छोटे बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे होंगे, जो आप मेरे माउस का कर्सर से आप देख पा रहे होंगे। तो अभी क्या है कि ये जो छोटे 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 बॉक्सेस है इनको बोलते हैं पिक्सल, जो कि इन सब को ऐड करके एक पूरी इमेज बनती है, ये होता है पिक्सल। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब हम वर्क करते हैं तो हमें क्या करना होता है, जब हम वर्क करते हैं तो फोटोशॉप के अंदर जितनी बड़ी हमें इमेज चाहिए होती है हमें उतना ही अपना आर्ट बोर्ड बनाना होता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई ड्राइंग बनाई एंड देन आप उसको फिर किसी बड़े पेपर पर प्रिंट कराने लगे, या फोटोस्टेट आपने निकाली किसी बड़े पेपर पर, तो वो वहाँ पर वर्क नहीं करेगी, मतलब बिकॉज वहाँ पर वो फट जाएगी। जैसे आपने पिक्सल्स में यहाँ देखा तो वो वहाँ पर ऐसे ही नज़र आने वाली है। तो क्या होता है, जितना बड़ा हम आर्ट बोर्ड अपना ले गए उतना ही बड़ा उसके अंदर डिज़ाइन बनेगा, आप उसको और बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। हम यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं अपने फोटोशॉप को, ठीक है। तो हम ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास होते हैं मेन्यू जहाँ पर फोटोशॉप का लोगो है, ठीक है। और आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर है प्रॉपर्टी बार नीचे वाला, जिस टूल को हम सेलेक्ट करेंगे उस टूल के यहाँ पर सभी प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। देन जो ये साइड वाला पैनल है ये है टूल टूल बॉक्स, इसके अंदर हमारे सभी टूल है। एंड देन हम यहाँ से जो भी टूल सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। देन हमारे साइड में हमारे पास होता है यहाँ पर लेयर पैनल, यहाँ पर हम इस सब ये जो यहाँ पर पैनल है ये सब यहाँ पर ये पैनल पाथ चैनल लेयर इन सब को अभी आपको ये कुछ समझ नहीं आने वाला है, आई नो, बट आपको ये आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग भी। मैंने यहाँ पे वो चीज़ें रखी हुई जो मेरे सबसे ज़्यादा काम में आती है, ठीक है, जब मैं डिज़ाइनिंग करता हूँ। तो अभी क्या है, मेरे को लेयर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड देन यहाँ पे मैंने फॉन्ट का कैरेक्टर एंड ये रखे हुए सो सबसे ज़्यादा ज़रूरत आने वाली चीज़ मेरी। तो आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, मतलब कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी चीज़ को क्लोज कर दिया या आप चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पर ये गलती से आपसे ये क्लोज हो जाता है, तो आप यहाँ पर आपने ये बाहर निकल के आपसे यहाँ से ये आपसे क्लोज़ हो गया, देन आपसे ये क्लोज़ हो गया, आपसे ये सब क्लोज़ हो जाता है, एंड देन आपसे ये भी क्लोज़ हो गया। डोंट वरी, कोई इतनी बड़ी हेडेक नहीं है इसमें। आप सिर्फ यहाँ पर एक विंडो का आपको ऊपर मिलेगा टैग, ठीक है। यहाँ पे आप विंडो के अंदर जाएंगे, वर्क स्पेस पे जाएंगे, एंड देन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सेव किया हुआ है अपने नाम से। तो अभी क्या करना, आप यहाँ पर अगर रीसेट करते हो, यहाँ पर मैंने अपना किया हुआ था सेव, इसके अंदर जो होता है आप सेव भी कर सकते हो इसके अंदर। तो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर आपको कौन सा रखना है, यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने एडोबी वालों ने अपने अलग अलग प्री शेट यहाँ पर बांटे हुए कि आप 3D के अकॉर्डिंग आपके पैनल यहाँ पर सेट हो जाएंगे। अब मोशन कुछ वीडियोज़ का मोशन का काम करना चाहते हो उसके अंदर तो वो अलग से सेट हो जाएगी। हाँ, इसके अंदर मोशन का काम भी हो जाता है और वीडियोज़ का भी काम हो जाता है, ठीक है। तो वो हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे।
तो हाँ, इसके अंदर ये अलग अलग बांटे हुए पेंटिंग के अकॉर्डिंग, फोटोग्राफी के अकॉर्डिंग ये अलग अलग सेट हो जाएंगे। फिर हमने फोटोग्राफी भी किया तो फोटोग्राफी में आने वाले सभी टूल यहाँ पर ऑटोमेटिकली सब सेट हो जाएगा हमारी स्क्रीन पर, ठीक है। एंड अगर हम और वर्क स्पेस में जाते हैं यहाँ पर 3D में, जो कि हमें 3D में कुछ जब हम बनाते हैं तो हमारे जो आने वाले यूज़ में पैनल है वो सब यहाँ पर सेट हो जाएंगे, ठीक है। एंड देन सेकेंड अगर हम देखते हैं यहाँ पर, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सेव किया हुआ, अगर आप ये आपने वर्क स्पेस यहाँ पर कोई अपना डिज़ाइन किया है, आपने अपनी मर्जी से यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पर, यहाँ से आपके पास जो आपके वर्क स्पेस मतलब जो आपके फोटोशॉप में नहीं नज़र आ रहा आपको ज़रूरत है उस चीज़ की, तो आप विंडो में जाइए और यहाँ से आप कलर पैनल, क्रोन, कैरेक्टर उठाइए। तो और आप चाहते हो कि यहाँ पर आपने ये रख दिया, आपको यहाँ पर ज़रूरत है इस चीज़ की, सो तो आप यहाँ पर इसको सेव कर सकते हो अपने नाम से, ठीक है। तो वर्क स्पेस में वापस जाएंगे एंड देन यहाँ पर आपको न्यू वर्क स्पेस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर न्यू वर्क स्पेस में जाओगे, यहाँ पर नेम डालोगे आप कुछ भी एंड देन सेव करोगे तो ये सेव हो जाएगा। फिर आपको ये हमेशा कुछ इस टाइप से मिलेगा जो भी आप नाम दो, बिकॉज मैंने ऑलरेडी इसको सेव किया हुआ तो अपने जो मेरे यूज़ में होता है, तो यहाँ पर मैंने अपना पैनल, सॉरी वो अभी मैंने आपको समझाने के लिए सब कुछ क्लोज कर दिया, तो दैट्स रीज़न ये सब पैनल क्लोज हो चुके हैं। अब इसमें कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है, ये हो गया। अब मैं से बाद में भी ना करूँ, मैं अभी करके आपको दिखाता हूँ, बिकॉज आपके सामने ये प्रॉब्लम फेस होगी। सो आपका वर्क स्पेस आपने क्लोज कर दिया वो, एंड देन यहाँ से आप रीसेट करोगे, रीसेट जो आपने सेव किया हुआ है तो वो वापस आ जाएगा जो आपने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर हमारा सब कुछ हो चुका है। तो फर्स्ट अभी मैं थोड़ा सा बस आपको एक टूल के साथ और इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, देन फिर हम इसके आज के इसको भी कंप्लीट कर दें। तो अभी क्या करना है हमको कि अब हम चाहते हैं हमें कोई अपना एक वर्क स्पेस बनाना जिसके अंदर वर्क होता है, एज ए ड्राइंग सीट हमारी जिसमें हम ड्राइंग बनाते हैं वाइट कलर की ब्लैंक, ठीक है। तो हम यहाँ फाइल पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल एन भी होता है, ठीक है, इसको याद रखना, कंट्रोल एन के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो शॉर्टकट की हमारा बहुत टाइम बचाता है, ठीक है, जब आप बहुत फास्टली वर्क करते हो तो शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि आप जब फाइल में जाओगे कंट्रोल एन प्रेस करके भी और न्यू क्रिएट करोगे, ठीक है। तो न्यू पे किया आपने, आपको यहाँ पर एक पैनल ओपन हो जाएगा, जो पैनल के अंदर आप अगर जाओगे तो यहाँ पर आपको कुछ वेर्थ और साइज जिसको आप कस्टम अपनी मर्जी दे सकते हो, आप कितने बड़े साइज पे आप डिज़ाइन बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक बैनर बना रहे हो या आप फेसबुक टाइमलाइन या इंस्टाग्राम के लिए बना रहे हो, ठीक है। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक में जो टाइमलाइन चलती है उनमें जब हम पोस्ट करते हैं नीचे तो वो जो डिज़ाइन बनते हैं वो 1000x1000 एंड वन, इंस्टाग्राम पे भी इतना ही चलता है एंड फेसबुक पे जो डिज़ाइन हम स्क्वायर में बनाएंगे वो हर उस पे चलता है, ठीक है। तो अभी ये भूल जाइए, अभी फ़िलहाल हम फोकस करते हैं फोटोशॉप पे। तो अभी क्या है कि यहाँ पर हम कस्टम भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पर हम वेट अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं, ठीक है। एंड मैं दोबारा से इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ पर मेरे से ओके हो गया, ठीक है। तो अभी क्या था कि यहाँ पर न्यू पे जाएंगे, ठीक है। तो अभी क्या था कि हमने यहाँ पर कस्टम भी हम नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं हमें पिक्सल में रखना, इंच में रखना है या हम कितने उसमें रखना चाहते, तो हमें यहाँ पर तमाम सब कुछ हमें मिल जाता है, ठीक है, अलग अलग टाइप के। तो हम वर्क करने वाले हैं पिक्सल में, इंच में। अगर आप बहुत बड़ा पेंटिंग का काम, प्रिंटिंग के लिए डिज़ाइन कर रहे हो तो आप इंच में ऑफकोर्स इंच यूज़ करना, एंड आप अगर नॉर्मल वेब के लिए यूज़ करें तो आप पिक्सल पर वर्क करिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे सब कुछ पिक्सल रखना होता है, ठीक है, एंड देन यहाँ पिक्सल इंच में रेजोल्यूशन रखना होता है, जो कि देखो वेट के सामने इसका पिक्सल है, हाइट के सामने उसका पिक्सल है, एंड देन रेजोल्यूशन के ऊपर आगे उसका पिक्सल और इंच में उन्हें शो किया हुआ है। तो यहाँ पर पिक्सल और इंच ही हमें सेलेक्ट करते हैं। और अगर आप वेब के लिए काम कर रहे हो तो रेजोल्यूशन आपको 72 रखना होता है। अगर आप वेब के प्रिंटिंग के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप 300 तक लेके जा सकते हो इसको, ठीक है। तो आप यहाँ नीचे देखो कलर मोड, अभी हमें कलर मोड RGB चाहिए। अगर आप यहाँ पे गलती से CMYK के यूज़ कर लेते हो तो CMYK के गलती नहीं, मतलब अगर आप प्रिंटिंग के लिए कोई चीज़ बना रहे हो तो आप हमेशा CMYK के ही कलर सेलेक्ट करके अपना आर्ट बोर्ड क्रिएट करोगे, ठीक है। अगर आप वेब के लिए बना रहे हो तो RGB, CMY और RGB में डिफरेंस हम आने वाली वीडियोज़ में बता देंगे, ठीक है, होता क्या है। और अभी फ़िलहाल बस आप यही समझ लीजिए कि अब हम वेब के लिए और
प्रिंट के लिए कैसे क्रिएट करते हैं। तो अगर हम वेब के लिए बना रहे हैं तो RGB एंड देन प्रिंट के लिए बना रहे हैं तो CMYK, ठीक है, इन दो को। अगर आप यहाँ पे कुछ और सेलेक्ट करने वाले हो तो हो सकता है आपके साथ जब आप उसके अंदर कोई इमेज डालो तो ब्लैक एंड वाइट आए। तो अभी ये सब हम इनको आने वाली वीडियोज़ में पढ़ लेंगे कि ये किन चीज़ों में यूज़ आते हैं, बट आज तक मेरे काम में कभी यूज़ नहीं आई है। मेरे यहाँ जब मैंने काम किया हमेशा RGB और CMYK ही मेरे सामने मैंने यूज़ किया अब तक अपने लाइफ में, ठीक है। तो मेरे सामने आज तक इनका कोई यूज़ में आया नहीं, मुझे अभी तो ये बेकार ही लगता अपने लिए। सो क्या पता आप इसको यूज़ ले, एंड देन आप यहाँ पर अपने जो बैकग्राउंड आप जो आपका आर्ट जो ड्राइंग जैसे शीट जो बन के आने वाली है वो किस कलर में चाहिए, आपको वाइट चाहिए बैकग्राउंड चाहिए और बैकग्राउंड कलर चाहिए और ट्रांसपेरेंट चाहिए। तो ट्रांसपेरेंट तो हम बाद में भी कर ले, इतनी टेंशन वाली बात नहीं होती, ठीक है। वाइट ऑफकोर्स हमें वाइट चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में जो कि कलर हमारा इसको छोड़ो अभी समझ नहीं आ पाएगा, तो अभी हम वाइट रखते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम वाइट रखेंगे एंड ऊपर देखें तो हमारे यहाँ कुछ कस्टम प्रीसेट होते हैं, ठीक है। तो कस्टम प्रीसेट के अंदर क्या होता है कि हम इंटरनेशनल रखना चाहते हैं, USA रखना चाहते हैं, तो इंटरनेशनल के अंदर A4 साइज़ होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली फिल कर सब चीज़ें A4 के अंदर क्योंकि ये प्रिंटिंग है, तो ये 300 के ऊपर ले गया। अब हमें क्या करना है, अगर हम इस पर काम करेंगे तो हमने अपने CMYK को यूज़ करेंगे, RGB की जगह, ठीक है। तो अभी क्या है कि हम यहाँ पे इंटरनेशनल USA पेपर यूज़ करना चाहते हैं जो US के अंदर प्रिंटिंग में चलते हैं, तो वहाँ पे लेटर साइज़ का पेपर चलता है, ठीक है। अगर हम इंटरनेशनली यूज़ कर रहे हैं मतलब वर्ल्ड में कहीं पे भी, तो A4 वर्ल्ड वाइड चलता है, ठीक है। और इसके अंदर फ़ोटो के लिए तो अभी कोई इतना नहीं, आप कस्टम भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कस्टम अगर आप प्रिंट के लिए यूज़ कर रहे हैं A4 पे, तो ऑफकोर्स आप इंटरनेशनल यूज़ के लिए। और अब मैं अभी फॉर एग्जांपल आपको कस्टम बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज़ होने वाली चीज़ें अगर मैं बताऊँ तो ग्राफिक कंपनीज में क्या होता है कि जब हम कैंपेन चलाते हैं किसी की, सो अभी तो कैंपेन भी समझ, अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ क्या होता है, जब हम एडवर्टाइजिंग चलाते हैं किसी भी प्रोडक्ट प्रमोशन की लगातार एक बार आज और कल, मतलब जो हम पोस्ट करते रहते हैं फेसबुक पर जो लोगों को दिखती रहती है फ़ोटोज़ सो किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो 1000 पे ही जाता है क्रिएट की जाती है, मतलब स्क्वायर साइज़ में। तो हम इसका 2000x2000 ले रहे हैं, 1000x1000 ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं फॉर एग्जांपल ये सब आपको मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताता रहूँगा कि क्या कैसे कैसे कॉर्पोरेट में वर्क होता है, कैसे क्या चलता रहता है। तो अभी जस्ट हम फेसबुक पे या सॉरी फोटोशॉप के ये सब बेसिक समझ लें, एंड यहाँ पे क्या है कि बस 1000 हम यहाँ रखते हैं एंड देन सॉरी 1000 एंड 1000 मैं यहाँ पर 72 कर देता हूँ, ठीक है। RGB हमारा कलर सेलेक्ट है, यहाँ पर हम पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, पिक्सल एंड 72 और यहाँ पर 1000 क्योंकि जब हमने इसको 1000 लिखा था तो ये मिलीमीटर में था, ठीक है। तो यहाँ पर कर देते हैं हम इसको ओके, ठीक है। तो हमारे सामने एक वाइट कलर का ब्लैंक पेपर बनकर क्रिएट हो चुका है जिसको हम आर्टबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर हमारे पास बन जाती है एक लेयर, ठीक है। तो अब इस लेयर का क्या है, अब इस लेयर में क्या होता है कि लेयर एक पेपर बाय पेपर के ऊपर वर्क होता है, पेपर के ऊपर पेपर फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा, पेपर के ऊपर पेपर शो होता है, कुछ ऐसे ही एक लेयर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, हमारे पास एक टूल होता है जो मूव टूल होते हैं, तो अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये क्या करता है, हमारी किसी भी चीज़ को मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब हम वर्क करते हैं। तो क्या कहते हैं, जब अगर हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई इमेज डाल के दिखाता हूँ यहाँ पर कि कैसे वर्क कर रहा है, सिंपली कोई बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ, मतलब मैंने यहाँ पर कोई इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप की, तो यहाँ पर अभी जस्ट मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इमेज है, तो मैं यहाँ पर देखो इसको यहाँ से यहाँ उठा के ले जा सकता हूँ, यहाँ से यहाँ उठा के ले जा सकता हूँ, यहाँ से यहाँ, तो ये कहीं पर मैं उठा के ले जा सकता हूँ। सो अभी क्या है कि इसके अंदर तो मैं यहाँ पर इस मूव सिलेक्शन टूल का काम ये होता है चीज़ों को मूव करना, इसलिए इसका नाम मूव है। फॉर एग्जांपल आप इसका वी अगर आप देखोगे इस पर, जब आप अपने कर्सर इस पर कंटिन्यू रखोगे तो आपको इस पर वी भी नज़र आ जाएगा। तो हम इसको वी प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन अभी क्या है कि अब हम यहाँ पर ये एक ब्लैंक लेयर है, अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पर मैं एक ब्रश ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से जस्ट ब्रश ऐसी रफ करके दिखाता हूँ,
तो ये क्या होगा, मैं यहाँ पर सिलेक्शन टूल से, मूव टूल से अगर मैं इसको मूव, इसको भूल जाइए हमें नहीं जो होता अभी इसकी, तो अभी क्या है कि ये, तो अभी क्या है कि ये बिकॉज ओके, तो मैं तो यहाँ पे क्या है कि अभी ये नहीं है, तो इसके अंदर भी दो चीज़ डिफाइन हो रही है कि एक तो हम, मैं आपको लेयर के बारे में पढ़ा दूंगा और एक मोड सिलेक्शन टूल के बारे में पढ़ा दूंगा, तो ठीक है। तो अभी क्या है कि मैं इसको यहाँ से ये नहीं हिलता बिकॉज यहाँ पर क्या होती है, अब मैं लेयर की बात करता हूँ, तो ये आप ले लीजिए एक वॉल है, वॉल के ऊपर मैंने पेंट कर दिया रैंडमली ऐसे, तो अब क्या है कि आप उसको रैंडमली, मतलब आप उसको मूव तो कर नहीं सकते आपने, क्योंकि ओरिजिनल दीवार के ऊपर ही आपने पेंट कर दिया। अगर आप उसको मूव करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ऊपर से एक उसके ऊपर कुछ चिपकाओगे वॉल के ऊपर, देन आप उसके ऊपर कुछ ब्रश व्रश से ड्रॉ किया आपने, तो आप चाहते हो कि मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कहीं और रखना है इसको, तो आप वो ईजिली कर सकते हो बिकॉज आपने एक पेपर यूज़ किया उसके ऊपर, या कुछ भी अपनी मर्जी से आपने फ्रेम फोटो या कुछ भी यूज़ किया आपने दीवार के ऊपर, आपने उसके ऊपर ब्रश किया, बट अगर आप बिना उसके वहाँ ब्रश पर कुछ ड्रॉ, सॉरी वॉल पर ड्रॉ करते हो, तो आप उसे बिल्कुल मूव नहीं कर सकते हैं, आपको वहीं फिर कॉम्प्रोमाइज़ करके वहीं पर करना पड़ेगा, इसको न्यू पेंट कराकर उसको अपनी मर्जी से चेंज कराना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर एक न्यू लेयर बनाई जाती हैं, तो या वही एक लेयर होती है जो हम अलग से हर बार काम करते वक्त अलग अलग लेयर लेते हैं, ताकि हमारा हम उनको बाद में कस्टमाइज़ कर सकें, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, कंट्रोल जेड से होता क्या, अंडू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड करता हूँ, तो यहाँ पर कंट्रोल जेड करने के बाद सिर्फ वन टाइम एक बार वापस जाएगा स्टेप में, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल जेड वापस करता हूँ तो ये वापस से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे सब कुछ रफ करना, वापस सब कुछ अंडू करके वापस जाना, आई नो अंडू तो आप जानते होगे, आप ओबियसली अंडू माने क्या होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, हिस्ट्री में बैक जाता है, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये पास्ट में जाएगा, सो यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि मुझे सब कुछ यहाँ से रिमूव करना है, बिल्कुल ब्लैंक था, मतलब जो मैंने स्टेप ये यहाँ पे किए हैं वो सब मुझे हटाने हैं, तो यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट और जेड प्रेस करूँगा तो सब वन बाय वन, जैसे मैंने वन बाय वन ड्रॉ किया था, वन बाय वन ऐसे ही वापस चले जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, अब मैं यहाँ से एक न्यू लेयर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। न्यू लेयर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे एक न्यू लेयर आ जाएगी, ठीक है। अब इस न्यू लेयर पे अगर मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, तो आप इसे मूव सिलेक्शन टूल लोगे और आप इसे कहीं पे भी रख सकते हो ईजिली, ठीक है। तो ये काफ़ी यूज होने वाली टूल है, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता रहता है बात बात पे जब हम चीज़ें बनाते डिज़ाइन करते हैं, तो ऐसे ही। सो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल काफ़ी पसंद आया होगा, कुछ चीज़ सीखने को मिली होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट भी हम जल्दी ही लाने वाले हैं। मैं उन सब में, उस अगले पार्ट में मैं अगला सिलेक्शन टूल को डिफाइन कर दूंगा, देन कुछ और अगले टूल डिफाइन करेगा, ठीक है। सो आपको ये ट्यूटोरियल काफ़ी पसंद आया होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।